मैं कोई चोर या स्मगलर जो मुझे अरेस्ट कर लेगा? I'm sure इंस्पेक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। पुराना वाला सतपाल होता ना तो आपकी मदद जरूर करता, पर जाएगी। यप, क्या बकवास कर रही है मॉम? आप मुझे पुलिस के हवाले कर देना चाहती हैं? बेटा, अपनी मॉम की खातिर तुम इतना नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी मॉम जेल चली जाए? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मॉम, लेकिन जो काम मैंने नहीं किया उसका इल्जाम मैं अपने सिर पे कैसे ले सकता हूँ मॉम? इंस्पेक्टर साहब, ये हथकड़ी मेरे हाथ में होनी चाहिए। मैं ही कानून की गुनहगार हूँ। अंकल, यहाँ पर एक इंस्पेक्टर आए हैं और वो माजी को अरेस्ट करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि हमारे ट्रकों में शराब और इलीगल सामान मिला है। ऊपर से ऑर्डर है, हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी एक्टिंग किया आपने, थैंक यू। अच्छा किया नंदिनी जो तुमने एसीपी को फोन कर दिया, वरना अनु को तो जेल में चक्की पीसनी पड़ती। अरे नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। अरे देवा, तुम्हारी अच्छाई को ये घर वाले कब पहचानेंगे? तुम्हें तंग करने का ये एक भी मौका नहीं छोड़ते ये लोग। और मैम साहब की जगह अगर तुम होती ना तो अब तक जेल में चक्की पीस रही होती। लक्ष्मी आई, प्लीज प्लीज बेटा, इसे कहने दो। ये जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। मैंने बहू के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। ऐसा क्यों कह रही है माँ? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। देवेंद्र ने सब कुछ बहू के नाम करकर बिल्कुल ठीक किया था, लेकिन ये बात मुझे पसंद नहीं थी। इसीलिए अपनी खुशी के लिए मैंने बहू को दुख देना शुरू कर दिया, उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर देना। और हाँ, मैंने एक फैसला किया है, मैं अपने सारे अधिकार एक बार फिर से तुम्हारे नाम कर दूंगी। लगता है कि परजाई जी का दिमाग फिर गया है। मैं जानती हूँ बेटा, घर की और ऑफिस की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है तुम ये सब कर लोगी। बस मुझे एक दो दिन देना, मैं पेपर्स तैयार करवा लूं। अरे माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? अब सब कुछ ठीक हो चुका है, फिर आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही हैं? और हाँ माँ, इतनी जल्दी फैसला करने की क्या जरूरत है आपको? आंटी, आप एक बार और सोच लीजिए ना। चुप करो तुम सब। जब मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत थी तब तो कोई नहीं आया मेरी मदद करने। जब पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही थी तब तो सारे चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। बस सिर्फ मेरी बेटी सोनी आई मेरी मदद करने, जिसे जिसके साथ हमेशा मैंने बुरा सलूक किया, वो सामने आई। लेकिन तुम सब, अब मुझ पर सिर्फ मेरी बेटी की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी तुम लोग खुद उठाओ, मुझ पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं। Thank you.
की और पुलिस वापस चली गई। मेरे तो समझ में नहीं आया कि उसकी इतनी ऊपर तक पहुंच हो कैसे गई। बुआ जी, अनुराधा आंटी की पहुंच कहां कहां तक है या किस किस से पहचान है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप बस वो काम कीजिए जिसके लिए आप वहां गई हैं। और अब तक तो आपको पता कर लेना चाहिए था कि अनुराधा आंटी के पास कितना पैसा है, वो सच में अमीर है या अमीर होने का सिर्फ दिखावा भर कर रही है। याद रखिएगा बुआ जी, मनी लेंडर को हमें जल्द से जल्द 50 लाख रुपया वापस करना है, कहीं ऐसा ना हो कि पापा को पता लग जाए। तुम डरते बहुत हो। अगर तुम्हारे पापा को पता भी चल गया कि हम 50 लाख रुपए जुए में हार गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे जरूर गोली मार देंगे वो। तुम फिर डरपोकों की तरह बात कर रहे हो। मेरे होते तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? पहले पूरी बात तो सुनो मेरी। बोलिए। पुलिस बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई और सबके सामने नंदिनी हीरोइन बन गई। और ये अनुराधा, अनुराधा ने भी अपने सारे अधिकार नंदिनी को देने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ, अगर अनुराधा ने उसे सब कुछ सौंप दिया तो। बुआ जी, आप अनुराधा आंटी को ऐसा करने से रोकिए, क्योंकि उन्होंने अगर अपनी सारी की सारी पावर्स नंदिनी को सौंप दी तो हमें अपना पूरा का पूरा प्लान चेंज करना पड़ेगा। अभी बात पूरी तरह से अपने हाथ से निकली नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। बुआ जी, आप सोचिए कि अब आप खुद इस सिचुएशन में क्या कर सकती हैं। पर मुझे लगता है कि मुझे नंदिनी से एक बार मिलना ही चाहिए, देखूं तो सही कि वो कितने पानी में है। बहुत अच्छा विशाल, मैं अनुराधा को उसका फैसला बदलने के लिए मनाती हूँ। ज्यादा मत सोच अनु, तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने तो मुझे गैर ही बना दिया, अपनी बरसों पुरानी दोस्ती का भी ख्याल नहीं किया। अरे कम से कम एक बार तो बताया होता अपनी परेशानी के बारे में। क्या बताती विमला, और कैसे बताती कि पुलिस मुझे शराब के स्मगलिंग की जुर्म में गिरफ्तार करने आई थी। अनु, हमारी दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं है। अगर तूने अपनी परेशानी के बारे में मुझे बताया होता तो
तो मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालती। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरा भाई इस शहर का नामी वकील है। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो शायद पुलिस घर तक भी नहीं आ पाती। रहने तो ना विमला, जो होना था सो हो गया। लेकिन अनु एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि तू किस डर से अपने सारे हक और अधिकार नंदिनी को देने जा रही है। तू ये गलती करने जा रही है अनु, सोच ले। विमला प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि सारे अधिकार मेरे पास रहें। कल को अगर कोई और प्रॉब्लम हो गई तो फिर से पुलिस। और इस बार अगर सोनिया और नंदिनी नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। वो तो ठीक है अनु, लेकिन प्लीज आंटी, मम्मी जो कुछ भी करने जा रही वो ठीक है, वो कुछ गलत नहीं कर रही। वो तो ठीक है, मैं तो यूं ही कह रही थी। लगता है अब मुझे कुछ और करना होगा। आज जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ अनु। सोचो ना, अगर घर की बात बाहर निकल जाती तो बदनामी तो होती ही और साथ में पता नहीं कितने सवालों के जवाब देने पड़ते। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ बच गई अनु, थैंक यू। रवि, इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है। अगर उस इंस्पेक्टर को मैं नहीं पहचानती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती। हाँ, ये भी तो अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी इंस्पेक्टर के साथ जान पहचान निकल आई और माँ बच गई। अनु, इस हादसे ने माँ के दिल पे बहुत गहरा असर किया है। देखो ना, माँ ने मन बना लिया है कि वो सारी प्रॉपर्टी वापस तुम्हारे नाम कर देगी, और तुम भी तो यही चाहती थी। नहीं रवि, ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपने लिए नहीं चाहती, मैं ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए चाहती, ताकि तुम स्ट्रांग बन सको, ताकि तुम इस मकाम पर पहुंच सको कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तुम्हारे किन किन एहसानों का बदला चुकाऊंगा अनु। तुमने मेरे लिए, इस घर के लिए, घर वालों के लिए क्या कुछ नहीं किया अनु। अगर तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाने जाऊं तो शायद एक जिंदगी कम पड़ जाएगी अनु। तुमने इतना कुछ किया और बदले में मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं। एक काम जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था वो ये कि तुम्हें समीर के पास वापस भेज देना चाहिए था। तुम इस घर की परवाह मत करो अनु, यहां सब ठीक हो रहा है और सब ठीक ही रहेगा। मैं हूं ना। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि इस घर के प्रति तुम्हारे सारे फर्ज पूरे हो चुके हैं, तुम समीर के पास वापस चली जाना।
केगल, आज तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? तुझे तो आज मुस्कुराना चाहिए, खुश होना चाहिए। सारा अधिकार तेरे हाथ में आने वाला है और अनुराधा पर जाए तो। चाचा जी क्या फर्क पड़ता है, अधिकार मेरे पास हो या बाजी के पास, मेरे लिए इतना काफी है कि घर में शांति। हाय हाय हाय, क्या सोच है तेरी तन्ने, कमाल की सोच है बेटा तेरी, कमाल की। काश ऐसी सोच दूसरों की भी होती इस घर में। तू जैसा सोचती है वैसे भला करती है, कोई तेरी तरह है नहीं, इसलिए तो आज अनुराधा परजाई जो है वो पुलिस के हाथों बच गई, वरना हथकड़ियां लग जाती और जेल काटनी पड़ती, क्योंकि तू थी मेरी मदर, इसलिए। देख ली, पुलिस भी निकल गई और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। चाचा जी अब जो कुछ भी हो चुका है उसे रहने दीजिए ना, उसके बारे में बात करके क्या फायदा। ओ नहीं नहीं बेटा, मैं तो तेरी तारीफ कर रहा हूँ, तूने तो कमाल का काम किया। चलो कोई तो निकला है इस खानदान में जिसकी पहचान पुलिस से हो, है? कमाल कर देता तूने। अब पुत्र मैं ये पूछना चाहता था कि पुलिस ने अभी तक ये पता लगवा लिया होगा ना कि वो ट्रक में शराब किसने रखी है? है? हाँ, ये तो पता लगाना ही चाहिए। हाँ, वो तो पता ही चलना चाहिए, तुम भी पता लगा लो अपने पुलिस। अब मेरे कहने का मतलब पुत्र कि पुलिस से कि किसने ये काम किया, देखा ना, वरना पता नहीं कितनी बड़ी बदनामी हो जाती हमारी कंपनी की, अनुराधा परजाई की, है ना, कितनी बदनामी हो जाती। पुत्र पुलिस वाले ने तुमसे कोई रिश्वत तो नहीं ली है? क्यों? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा उस इंस्पेक्टर को और तुम्हें कुछ देते हुए ऐसे कुछ मैंने देखा, तो मैंने ऐसे सोच लिया शायद। हाँ वो एक्चुअली उनका वो वॉलेट गिर गया था तो मैं वही देने गई थी। ले कमाल है, बड़े गैर जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तहकीकात करने आए और पर्स भी भूल गए, कमाल की इनकी। हंसी आती है मुझे, मैं भी कैसी फालतू बातें करने लग गया। हाँ पुत्र, बातों बातों में मैं ये कहना भूल ही गया कि हॉस्पिटल से फोन आया था, रवि की मेडिकल रिपोर्ट तैयार है। जी मैं वो रिपोर्ट जाकर ले आऊंगी। लेकिन लक्ष्मी बाई तो मुझसे यह कह रही थी कि तुम मेडिकल रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल कल गई थी, है? जी मैं गई तो थी लेकिन वहाँ देर से पहुँची इसलिए रिपोर्ट ले नहीं पाई। चाचा जी मुझे किचन में कुछ काम है, मैं आती हूँ। हाँ पुत्र, घर का काम करना भी बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। बड़ी मॉम, तुम लोग यहां क्यों आए हो? आप क्या काम है? बड़ी मॉम, क्या बिना काम के हम आपके पास नहीं आ सकते? मॉम, आपने हमें अभी तक माफ नहीं किया, हमें आपसे माफी मांगने आए हैं।
बट प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब अपने राइट्स नंदिनी के नाम मत कीजिएगा। इस वक्त तो वो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, पर आपको तो मालूम है ना मॉम वो कैसी औरत है। एक बार आपने अपने राइट्स उसके नाम किए, वो आपको और हम सबको परेशान करना शुरू कर देगी। और क्या बड़ी मॉम, हम लोग जैसे भी हैं आखिर है तो आपके ही ना। ओ परजाई जी, की हालचाल, कैसी है आपकी तबीयत? तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ जाके पूजा पाठ करो, अपनी देवी जैसी पत्नी को इम्प्रेस करो। तो हो परजाई जी, देखिए अगर आप हमें अपना दुश्मन समझती हैं और आपकी बहू नंदिनी को अपना हमदर्द, तो ऐसी बात मैं आपकी बहू के बारे में बताऊंगा कि उसे जानने के बाद पहले से भी ज्यादा आप उसे नफरत करने लगेंगे। रहने तो सतपाल, इसमें भी तुम्हारी कोई चाल होगी। ओहो परजाई, जब सारी बातें तो सुन लो, उसके बाद फैसला करना। दरअसल ये जितना भी नाटक जो है ना, ये आपकी बहू नंदिनी ने रचाया है, उसने लिखा है। वरना पुलिस आपको खामखा क्यों गिरफ्तार करेगी? और इस नाटक में काम करने वाले जो हैं, वो सिर से पांव तक जय माता दी बिल्कुल नकली पुलिस, और इन्हें खूज देते हुए खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आप मुझसे पूछेंगी कि सतपाल तेरे पास सबूत क्या है? की सबूत है तेरे को? दरअसल मैंने ऑफिस खुद फोन करके पता लगाया कि कोई भी ट्रक शक जो है वो गुजरात नहीं गई। मॉम इसका मतलब नंदिनी ने सारा नाटक आपको डराने के लिए किया, जिससे कि आप डर जाएं और अपने सारे राइट्स उसको दे दें। देखा मॉम, यहाँ आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो गई और वहां वो नागिन आपको डसने के लिए तैयार बैठी है। इसका मतलब ये लड़की तो मुझसे भी एक कदम आगे निकली, अब देखना कैसे फंसाती हूं मैं उसे उसी के जाल में। बेचारी नंदिनी। सिंह